जैसे ये अग्निवीर आया है ना, वैसे ही कलमवीर भी वो बना चुके हैं। नई शिक्षा नीति में 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा, जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा 5 साल के बाद तय करेंगे कि इस प्रोफेसर को परमानेंट करना है कि नहीं। जैसे मैं भी 12 साल से टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, मुझे भी अभी तक परमानेंट नहीं किया है। आगे क्या करेंगे बोलने की बात ही नहीं, आप सब समझदार हैं, इशारा काफी। लेकिन नई शिक्षा नीति ठीक वही काम शिक्षा जगत में कर चुकी है जिसने नई पीढ़ी को पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद करके हमें एक वैचारिक रूप से दिवालिया पीढ़ी सौंप दी। और इसलिए मेरी आखिरी टिप्पणी यही है कि बाकी वक्ता भी बोलेंगे, केवल आखिरी टिप्पणी ये है, सबसे महत्वपूर्ण अगर लड़ाई है, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, चाहे वो बुद्धा से लेकर के मंडल तक की लड़ाई हो, वो लड़ाई शिक्षा को बचाने की लड़ाई थी। और शिक्षा डिग्रियों वाली नहीं, शिक्षा वो जो जैसे पी के दहाड़ने का काम करते हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति को शामिल करिए, जाति जनगणना को शामिल करिए। कि मंडल और कांशीराम की लड़ाई लड़ने वाले लोग एकजुट कैसे थे, नई पीढ़ी को इतिहास बताना। और मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल खोला उसके पीछे चैनल मुझे तो पता ही नहीं था, रतनलाल जी बैठे हुए हम लोग को पता ही नहीं था इससे पैसा भी आता है, और कोई पैसा वैसा आता नहीं, इतना पैसा नहीं आता कि आप उसे लूट करके लंदन भाग जाए, वो तो खर्चा चलाने का है। लेकिन हमने कोशिश क्यों की, जैसे एक प्रोफेसर का काम है कि उसके क्लासरूम कैसे बने जिसमें सब तरह के लोग हों, वैसे ही मेरी चिंता ये भी है कि मेरा समाज भी वैसा बने जैसा भारत का संविधान और मंडल कमीशन चाह रहा है। इसलिए हमने वो कोशिश की कि इतिहास को जानो, नई पीढ़ी को इतिहास बताइए, मेरी गुजारिश है। और इसलिए हम लोग उन आइकॉन्स को बताएं, उनके सवालों को बताएं, और आखिरी बात इसमें जोड़ी जाए नई शिक्षा नीति की। और अपनी बात खत्म करते हुए कविता सुनाता हूं आपको, और शिक्षा क्यों जरूरी है इसी पर यह कविता है, सफदर हाशमी की कविता है। किसकी कविता और क्यों मैंने यह कविता चुनी, इसके भी कुछ अर्थ हैं। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो, पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पूछो तुम्हारे सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं, पूछो माँ बहनों पर ये बदमाश झपटते क्यों हैं, पूछो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं, पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वह भी दोस्त तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा, पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो अगर इस देश को भी ढंग से चलवाना है, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, कुल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।